अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर चंगवानी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज की दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम के बिजनेस कार्ड कैसे बना सकते हैं। कोई भी इसमें दोस्तों मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपने अपना नाम और इन्फॉर्मेशन लिखनी है। बनी बनाई दोस्तों टेम्पलेट्स हैं पड़ी, आपका एक बहुत ही प्रोफेशनल सा बिजनेस कार्ड जो है वो बन जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसके प्रिंट वगैरह वो जो है आप निकलवा लें, आपको किसी से भी या किसी शॉप पे जाके बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको वीडियो के नीचे बटन मिल जाता है इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ जो होती हैं, ताकि वो आप मिस ना कर सकें। इस घंटी के आइकन को प्रेस करें एंड दोस्तों कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक जो है ज़रूर कर दें, कुछ भी नहीं है, जल्दी से आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इसके लिए जो है दोस्तों किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप मैनुअली डिज़ाइन करें तो आपको जो है बहुत सारा यहाँ पर टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी एप्लीकेशन बिजनेस कार्ड मेकर जिसका नाम है, और इस ऐप का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना है कि इस लिंक से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन करते हैं तो पहले ही नंबर पे एक आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट का। तो देख सकते हैं दोस्तों जो भी आपको यहाँ से कार्ड अच्छा लगे, जो भी आपको यहाँ से टेम्पलेट अच्छी लगे, आप दोस्तों सबको देख लें, जो भी आपको अच्छा लगे आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रीमियम भी हैं पड़ी, जो भी आपको अच्छा लगे बस आपने उस पर क्लिक करना है। ये मुझे दोस्तों अच्छा लग रहा है फर्स्ट वाला, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह से जो है ओपन हो जाता है इसका इंटरफेस। अब जो जो चीज़ आपने यहाँ से चेंज करनी है वो आपने चेंज कर लेनी है, या फिर दोस्तों इसका एक और भी अल्टरनेटिव मेथड है, पहले आप अपनी प्रोफाइल जो है वो कम्प्लीट कर लें, उसके बाद जिस भी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे सब चीज़ें ऑटोमेटिक लग जाएंगी। तो कंपनी नेम है, जैसा कि आपने इस कंपनी नेम के ऊपर इस तरह टैप करना है। राइट साइड पे दोस्तों आपको तमाम इस तरह के एडिटिंग टूल जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अब जैसा कि मैं एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इस तरह का इंटरफेस आता है एंड मैं यहाँ पे जो है इसको चेंज करके अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। चलें दोस्तों मैं जो है यहाँ पे चैनल का ही नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको यस करता हूँ, तो ओके हो गया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब अगर आप इसका साइज़ वगैरह सेट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, नीचे जो है आप इसका साइज़ वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नीचे है टैग लाइन, तो आप जो है इस पर क्लिक करके जो भी आप दोस्तों यहाँ पर रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने जो है चैनल का नाम लिखा है, तो नीचे कुछ भी टैग लाइन मैं दे सकता हूँ, जैसा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ या कुछ भी दे सकता हूँ। उसके बाद ऊपर जो आपका लोगो आ रहा है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। पहले वाले को दोस्तों आप डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए मैं जो है इस इधर से इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड का, तो मैं यहाँ पे चूज़ इमेज करके एक कोई भी इमेज जो है अपनी वो यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो इस तरह जब आ जाए तो आपने करना है एड इमेज, एंड उसके बाद आपने जो है इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना है, जो भी दोस्तों आपको अच्छा लगे बस आपने जो है यहाँ पर उसको सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं नंबर है, एड्रेस लाइन है, देखिए नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप जो है यहाँ पे एडिट टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो, ईमेल को एडिट कर सकते हो, नीचे जो वेबसाइट आ रही है उसको भी एडिट कर सकते हो। तो जब दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, ऊपर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक है सेव का, दूसरे नंबर पर है डाउनलोड का। तो आपने दोस्तों इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है एंड आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि फ्रंट जो इसका साइड है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर बैक साइड। तो एक दफ़ा दोस्तों आप फ्रंट साइड डाउनलोड कर लो, दूसरी दफ़ा आपने बैक साइड डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं फ्रंट साइड इस तरह डाउनलोड करूँगा एंड मेरी इमेज जो है दोस्तों ये सीधा मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। एंड दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो वाकई में बहुत पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। एंड दोस्तों अगर आप इस तरह के वॉलपेपर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो उस ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।